नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं अमित भोबिया। आप राजनेता तो नहीं हैं, अगर हैं तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं सच्चाई बताने जा रहा हूं, और बुरा मान भी लेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं शिखर पर होती हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए आपको मंदिर जाना हो, मस्जिद जाना हो, गुरुद्वारा जाना हो, चर्च जाना हो, आप जाते हैं। ना चाहकर भी आपको बहुत कुछ कहना पड़ता है और आप कहते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, राजनेताओं की महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं। जो पार्षद है वो विधायक और सांसद बनना चाहता है, जो विधायक और सांसद है वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और इस लिस्ट में सबसे आगे हैं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाल ही में आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता इजहार हुसैन के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शरीक होने बाराबंकी गए थे। यहां उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। आजम खान बोले, आज भी मुझमें प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जिंदा है। पार्टी ने अभी किसी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे नहीं किया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अखिलेश यादव से अपने नाम का ऐलान करवा दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आजम खान ने ये इच्छा पहली बार जाहिर नहीं की है, उन्होंने इससे पहले भी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। अब सोचने वाली बात यह है कि अपने चाचा शिवपाल और अपने पिता मुलायम सिंह को किनारे करने वाले अखिलेश यादव क्या आजम खान की बात मानेंगे। वैसे अगर अखिलेश आजम खान की बात मान भी लें तो भी वो उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री बनाने की ताकत आप लोगों के पास है। आप जिसे पसंद करते हैं उसे प्रधानमंत्री बनाइएगा। आप किसे पसंद करते हैं? आजम खान को पसंद करते हैं, ममता बनर्जी को करते हैं, मायावती को करते हैं, राहुल गांधी को करते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी को करते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।